दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने 14 दिसंबर को विक्की जैन से शादी कर ली है और अब ये विक्की जैन की दुल्हनिया बन चुकी हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, इन्होंने अपनी शादी की सारी रस्म हिंदू धर्म के अनुसार ही की है और उन्हीं में से एक रस्म है मुंह दिखाई की, जिसमें इन्हें बहुत ही एक्सपेंसिव तोहफा मिला है। जी हाँ, इनके पति विक्की जैन ने इन्हें मुंह दिखाई पर बहुत ही खास और महंगा तोहफा दिया है। तो आखिरकार वो तोहफा क्या है और वो दिखने में कैसा दिखाई देता है? अगर आप भी इनके पति के द्वारा मिले तोहफे को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट जोड़ी अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब तक तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपकी फेवरेट अदाकारा अंकिता लोखंडे ने बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी कर ली है और अपनी शादी की खबर के लिए ढेर सारी सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी शादी हिंदी रीति रिवाज के संपन्न की है और अपनी हर एक रस्म को बहुत अच्छे से पूरा किया है और उन्हीं में से एक रस्म है मुंह दिखाई का, जिस पर इन्हें बहुत ही महंगे और अच्छे तोहफे मिले हैं और इनके पति विक्की जैन भी इन्हें मुंह दिखाई पर बहुत ही एक्सपेंसिव तोहफा दिया है। तो आपको बता दे, वो तोहफा कुछ और नहीं बल्कि इनकी फेवरेट ड्रेस है। जी हाँ, जब ये इनके साथ विदेश घूमने गई थी तब इन्हें एक गाउन पसंद आया था, पर ये उस टाइम इसे खरीद नहीं पाई थी, जिसके चलते उनके पति ने सेम वही डिजाइन्स का गाउन बनवाकर इन्हें गिफ्ट किया, जो पिंक कलर का है। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गाउन में डायमंड का वर्क है जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब गाउन पर लाइटिंग पड़ रही है तो उसकी शाइनिंग से पता चल रहा है। और अपने पति से इस तरह का तोहफा पाकर अंकिता लोखंडे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हैं और उन्होंने इस तोहफे की तारीफ करते हुए कहा कि ये तोहफा सभी दोस्तों, नाते, रिश्तेदार और बाकी के मेहमानों में से अनमोल तोहफा है। इसी के साथ ही इन्होंने अपने पति को गले लगाते हुए कहा कि थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। तो इस तरह से अंकिता लोखंडे को इनके पति विक्की जैन ने मुंह दिखाई पर इन्हें गाउन गिफ्ट किया है। वेल दोस्तों, आपका अंकिता लोखंडे की मुंह दिखाई पर मिले इस तोहफे के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।